नमस्कार। नंबर 1, ताजी नीम की पत्तियों का रस निकालकर गुलाब जल के साथ मिलाकर चेहरे पर रोजाना रात को सोने से पहले लगाएं। ऐसा करने से चेहरे के दाने, पिंपल और उसके निशान गायब हो जाते हैं। नंबर 2, अदरक का पानी पीने से खून साफ रहता है, जिसका असर त्वचा पर बढ़ती चमक के रूप में दिखाई देता है। साथ ही यह पिंपल और स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से बचाता है। नंबर 3, शरीर का डाइजेशन सिस्टम खराब होने पर कब्ज और एसिडिटी की परेशानी होती है। ऐसे में गुड़ और चना खाएं, इसमें फाइबर होता है जो पाचन शक्ति को ठीक रखता है। नंबर 4, लौकी को काट कर सुखा कर नारियल तेल में फाक लें। इस तेल को छान कर एक बोतल में भर लें और इस तेल में फिर से मसाज करें। सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। नंबर 6, खट्टे फल जैसे संतरा, आंवला, अंगूर, मौसमी खाने के बाद पानी पीने की गलती ना करें। ऐसा करने से पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है और शरीर का पीएच लेवल बिगड़ जाता है। नंबर 7, अगर हिचकी आ रही है और ज़्यादा देर हो गई है तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिए, इससे हिचकी आना बंद हो जाएगी। नंबर 8, रोजाना पैर के तलवे पर तिल के तेल की मालिश करके सोने से आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। नंबर 9, सुबह खाली पेट उबले हुए चने खाने से कभी याददाश्त कमजोर नहीं होगी। नंबर 10, चाय का ज़्यादा सेवन करने से आपको गैस की दिक्कत हो सकती है। नंबर 11, फूली हुई और नरम रोटी खाने से पेट की चर्बी नहीं बढ़ती है। नंबर 12, जिन महिलाओं के बाल बाएं गाल पर तिल होता है वह खाने की बहुत शौकीन होती हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं। नंबर 13, पपीते में मौजूद एंजाइमा की मृत कोशिकाओं से हटाता है और रोम छिद्रों को खोल देता है। रोजाना पपीता खाने से स्किन खूबसूरत और मुलायम दिखाई देती है। नंबर 14, आटे में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा का रंग साफ हो जाता है। नंबर 15, बालों में तिल का तेल लगाने से बाल कभी भी नहीं झड़ेंगे और ऐसा करने से कुछ ही दिनों में बाल आना भी शुरू हो जाएंगे, इसलिए तिल के तेल को जरूर लगाना चाहिए। नंबर 16, नाशपाती खाने से आपके अंदर ताकत आना शुरू हो जाएगी और कमजोरी दूर हो जाएगी। नंबर 17, रात की रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें, दूसरे रंग के बल्ब आपकी नज़र को कमज़ोर कर सकते हैं। नंबर 18, शाम को खजूर खाने से हड्डियां भी कभी कमज़ोर नहीं होती हैं। नंबर 19, रस्सी कूदने से आपका मानसिक विकास होता है और वह आपके फोकस करने की अक्षमता से भी दिखाता है। स्कीपिंग करने से आपकी याददाश्त में भी सुधार होता है। नंबर 20, 2 चम्मच शहद को 1 कप पानी में डालकर सुबह शाम पीने से पुराना नज़ला जुखाम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नंबर 21, अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप अखरोट, केला और सेब से बने शेक का सेवन करें, वज़न बढ़ने लगेगा। नंबर 22, ज़्यादा थूक फेंकने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और दिमाग कमज़ोर पड़ने लगता है। नंबर 23, सूखी धनिया के 3-4 दाने चबाने से उल्टी नहीं आती है। नंबर 24, रात को दूध में 1/2 चम्मच हल्दी डालकर पीने से इंसान पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। हल्दी का सेवन बूढ़े शरीर को भी, चेहरे को भी जवान बना देता है। नंबर 26, अगर आप जले हुए स्थान पर केला मसल कर लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा और वहां छाले भी नहीं बनेंगे। नंबर 28, जिन बच्चों के जिस्म पर हल्के दाने निकलते हैं, शहद में सिरका मिलाकर उनके जिस्म की मालिश करें, दाने ख़त्म हो जाएंगे।
नंबर 28, कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी होने का खतरा रहता है। नंबर 29, जिस सुराग में कीड़े मकोड़े निकलना बंद ना हो रहे हों, वहां पर खजूर की गुठली रख दो, कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। नंबर 30, एक चम्मच शहद में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर मिलाकर चाटने से सर्दी, खांसी और जुखाम में आराम मिलता है। नंबर 31, गले में इन्फेक्शन हो जाए तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर गरारे करें से ज़्यादा आराम मिलता है। नंबर 32, कड़वे करेले का रस लगाओ, दाने ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 33, अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं तो आप सुबह के टाइम बकरी का दूध पिया करें, इससे आपको थकावट नहीं होगी। नंबर 34, स्ट्रॉबेरी का जूस पीने से खून साफ रहता है। नंबर 35, जो लोग गर्मी में कद्दू का ज़्यादा सेवन करते हैं उन्हें सुकून की नींद आती है और खून की कमी नहीं आती है। नंबर 36, आज के लिए बस इतना ही। मेरे बताए गए टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और यह आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें। मैं इसी तरह से आपके लिए आसान से टिप्स लाती रहूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन बटन को ऑल पे सेट ज़रूर रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।